भाई बहन के अनूठे प्यार पर आधारित रक्षाबंधन त्यौहार पर अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी भेजे जाने को लेकर भागलपुर डाक विभाग ने पहल की। प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक कार्तिक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि सभी बहनों के द्वारा अपने भाई को भेजे जाने वाली राखी को डाक विभाग के द्वारा पूरे विश्व के 99 देशों के साथ भारत के सभी राज्यों में समय पर पहुँचाने को लेकर कटिबद्ध है। इसको लेकर डाक अधीक्षक ने कहा कि यदि भागलपुर से पूरे देश में किसी भी कोने में राखी पहुँचाना है तो 16 अगस्त तक सभी बहन पोस्ट ऑफिस से अपना राखी भेज दें, जबकि बिहार के किसी कोने में भेजने के लिए 27 अगस्त और भागलपुर में कहीं भी राखी पहुंचाने के लिए अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित किया जाए। साथ ही डाक अधीक्षक ने सभी महिला युवतियों से डाक विभाग के द्वारा मिलने वाले लिफाफे से ही राखी भेजे जाने की बात भी कही। सर, किस विषय पर सर प्रेस वार्ता रखे हैं? मुख्य रूप से कृषि बुलाना का मकसद यही था। यह सावन का महीना है तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से दो काम कर रहे हैं। एक तो कि गंगाजल हम लोग सेल कर रहे हैं और दूसरा राखी मेल का बुकिंग और डिलीवरी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सुनिश्चित करने के लिए कि समय पर लोगों को राखी मिले, इसके लिए हम लोग एक कट ऑफ टाइम बनाए हैं। वह कट ऑफ टाइम है कि अगर बिहार के अलावे दूसरे अगर जगह भेजना है देश के दूसरे कोने में तो 16 तक बुक करा लेंगे। दूसरा है कि यदि बिहार में भागलपुर के अलावे अगर कहीं भेजना है तो 17 तक बुक करा लेंगे, और यदि लोकल का है तो 20 तक बुक करेंगे तो हम लोग निश्चित समय पर डिलीवरी कर देंगे। मतलब कि 22 तारीख को रक्षाबंधन है, 22 तारीख तक उनको जरूर मिल जाएगा। हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं, 22 तारीख को भी राखी को वितरण करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर बुकिंग के लिए लोग आता है तो हम लोग उनका बुकिंग को नहीं रोकेंगे, लेकिन उनकी वितरण की गारंटी 100% नहीं रहेगी। तो यह चीज़ है, समय पर नहीं रहेगी। दूसरा चीज़ है कि हम लोग का राखी इनवेलप है, तो ये राखी इनवेलप 10 रुपये में मिलता है, वाटर प्रूफ राखी इनवेलप है। तो लोगों से यह भी आग्रह है कि यहाँ काउंटर पर आएं और डाक घर का राखी इनवेलप है उसको खरीद करके राखी भेजें। तीसरा चीज़ एक है और एक रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से कि या भाई बहन अति बहनों से कि जब राखी भेजें तो इसमें कोई भी चीज़ जैसे कि पैसा या कोई फूड चीज़ का कोई सामग्री है जैसे प्रसाद वगैरह पीटिया वगैरह इसमें नहीं डालें, उससे बहुत तरह की क्षति होती है। और पैसा तो भेजना ही नहीं है, पैसा भेजने के लिए हमारा AEPS का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनका खाता जिनका खाता है IPPB में वे लोग जो है से IPPB के माध्यम से पैसा भेजें। सर, कोरोना में सर किस तरह से ध्यान रखा जाएगा सर कोरोना में? जी, कोरोना में हम लोग इसको वितरण तो करेंगे, लेकिन सभी वितरण के लिए जो पोस्टमैन जाएंगे उनके पास सैनिटाइजर और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। वो लोग दूर से ही अपना राखी देंगे और हमेशा हर एक वितरण पर वे लोग हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, दूरी बनाकर बांटेंगे और मास्क हमेशा यूज करेंगे। पिछले कोरोना की ओर से इस बार क्या तैयारी है, कितने देशों में भेजा जाएगा? राज्यों में कि देश में? हाँ, दूसरे देश में करीब करीब हम लोग का कितना है, 99 देश में हम लोग को राखी स्पीड पोस्ट से या रजिस्ट्री से राखी भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, थैंक यू।